नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में सर्च करना है बिलासपुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारे पास बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पर नीचे हम स्क्रॉल करके देखना है। यहां पर देखिए दोस्तों, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पेज को हमें डेस्कटॉप साइड मोड पर ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट में हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे, यहाँ पर क्विक लिंक लिखा है। क्विक लिंक के नीचे में थर्ड नंबर ऑप्शन में ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करके देखना है, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एडमिट कार्ड। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, exam.bucgexam.in का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पेज को भी हमें डेस्कटॉप साइड मोड पे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट में हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, अटेंडेंस शीट और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करके देखना है। यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में डाउनलोड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर डाउनलोड के नीचे में एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अटेंडेंस शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अटेंडेंस शीट पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट दिया गया है दोस्तों, यदि आपके प्रवेश पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर नहीं आ रहे हैं तो प्रवेश पत्र प्रिंट निकाल कर दिए गए स्थान पर पासवर्ड फ़ोटो चस्पा करके हस्ताक्षर करें। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले सर्च बाय दिया गया है, तो यहाँ पर हमें यूज़र आईडी, आधार नंबर और इनरोलमेंट नंबर, इन तीनों में से किसी आईडी से भी हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूज़र आईडी, आधार नंबर और इनरोलमेंट नंबर तीनों में से कोई अवेलेबल रहेगा तो आप इसमें से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र आईडी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, सेकेंड नंबर ऑप्शन में एडमिट कार्ड टाइप में हमें यहाँ पर मेन या सेमेस्टर एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हमने यूज़र आईडी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें सर्च टेक्स्ट वाले ऑप्शन में अपना यूज़र आईडी इंटर करना होगा। इसके बाद जस्ट सर्च एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना यूज़र आईडी इंटर कर लेता हूँ। यूज़र आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सर्च एडमिट कार्ड पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके हमें देखना है, हमारा एडमिट कार्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर इसे हमें बैक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मेन पेज में हमें फिर से वापस आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस शीट वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। दोस्तों, सेम प्रोसेस हमें अटेंडेंस शीट वाले ऑप्शन में भी करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास यूज़र आईडी, आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस शीट टाइप में आपको मेन या सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम कल से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 8 सितंबर 2021 से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी आपने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी सर्च टेक्स्ट में आपको इंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सर्च अटेंडेंस शीट वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके हमें देखना है, यहाँ पर हमारा अटेंडेंस शीट आ जाएगा, तो यहाँ पर इसे भी हमें प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अपने एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।